हाँ भाई, फिर क्या हिसाब किताब है? देख रहे हैं रेडी? देख रहे हो? हाँ, पसंद। कौन सी रेडी पसंद आई आपको? पसंद है ऊपर वाली। ऊपर वाली जी। इन चारों में से देखो कौन सी पसंद है। पसंद है ये वाली। ये वाली पक्की बात है? हाँ। देख लो, फिर भी देख लो, मार्केट में बुरी में देखना है, देख लो भाई। देख रहा हूं। ये वाली पसंद है आपको? अच्छा, बाकी देख लो, अगर कोई देखनी है तो। यही पसंद है? चलें जी, भाई को जो है ना ये वाली रेडी पसंद आई है, तो भी देखते हैं, बातचीत करते हैं भाई से जाके और ये वाली रेडी ख़रीदते हैं और लेके चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, भाई से बात करके फाइनली तौर पर हमने जो है वो रेडी डन कर लिया। भाई ने यहाँ पर रसीद भी हमें बना कर दे रहा है। यही वाली रेडी जो है ना हमने डन की है, ये सबसे अच्छी भी है, उसके बैरिंग वगैरह भी अच्छे हैं और उसके बाद इसको जो व्हील है वो काफ़ी मज़बूत है और टायर वगैरह भी नए हैं, जिसकी वजह से हमने इसे ही डन किया है। और इसकी जो लकड़ी वगैरह है वो भी मोटी लगी हुई है बनिस्बत इनके। ये देखें, ये जो व्हील है इनके बिल्कुल सादा से पतले से लगे हुए हैं वेल्डिंग करके। ये देखें, आपको वेल्डिंग नज़र आ रही होगी थोड़ी थोड़ी, लेकिन ये जो वेल्डिंग है ना, बार बार बेचारा गरीब बंदा है तो ख़राब हो जाएगी। तो यही वाली हमने डन की है फाइनली तौर पर। ये वाली नीचे वाली भी ऐसे ही है, हाथ की बनी हुई है, लेकिन ये जो है ना मोटर बाइक का 1-5 का जो टायर होता है पिछला, उसका सिल्वर वाला डला हुआ है और बहुत मजबूत है। तो ये वाली डन कर दिया हमने। भाई पसंद है? फिर से देख लो, सुपर बात है, सही है ना? तो आप और क्या चीज़ चाहिए होगी आपको? और वो चिप्स वाली वो मशीन जो है वो लेनी है। चिप्स वाली मशीन? हाँ। वो कहाँ से मिलेगी? चले फिर, चले पूछते हैं किसी से। हाँ। फिर आगे चलते हैं, इसी भाई से पूछ लेते हैं। भाई जान, कौन सा रोड जाएगा? ये इधर जाएगा, ये चौक शहीद वाली शहर, चौक शहीदा वाली शहर से भाई बैर रहा है कि इस साइड से जाएगा आगे। तो अभी हम चलते हैं, हमारी रेडी जो है ना यहीं पर खड़ी है फिलहाल, हमने फाइनल कर लिया है, ये कार्ड भी हमने ले लिया है, ये आप जेब में डाल लें, ठीक है? चलें जी, रेडी ये डन हो चुकी है, ये सबसे बेस्ट रेडी जो है ना यहाँ पर यही वाली थी, तो हमने इसे ही ख़रीदा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलें चलें फिर, बैठें गाड़ी। भाई का रिक्शा भी है, तो भाई से हमने बात कर लिया कि हमारी जो रेडी है वो तकरीबन 17 किलोमीटर बनता है हमारा सफ़र, 19 किलोमीटर सफ़र बनता है। तो इस रिक्शे पे आप छोड़ाएंगे और जितना किराया होगा फिर इस भाई को देंगे। भाई फ़िलहाल 2000 बोल रहा है, देखें कितने तक डन होती है भाई के साथ। हम पहुंच चुके हैं अफजल रज़ाक मशीनरी स्टोर, यहाँ पर से जो हमें मशीन चाहिए वो तकरीबन हमारा अंदाज़ा है मिल जाएगी, क्योंकि हमने ये बाहर मशीनें खड़ी देखी तो मुझे लगता है यहाँ से मशीन मिल जाएगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मशीन भी हमने ले लिया है, ये फ्राई करने की मशीन है और इसमें इसका कुछ सामान भी है, मटेरियल भी है। सुनाओ, पसंद आई है ना? यही चाहिए थी? हाँ जी। पक्की बात है? हाँ। चलें, कोई और चीज़ तो नहीं चाहिए? और आलू कटने वाली लेनी है। आलू कटने वाली लेनी है और डेरी वाली शीट जो डेरी रेडी के ऊपर डालनी है। चलें जी, भाई कहता है कि रेडी के ऊपर डालने वाली शीट भी ले दो, और ये हमने ले लिया है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी मशीन है। ये चलें, ये बाद में जो अनबॉक्सिंग जो है ना वो घर जाके करेंगे, ठीक है? फिलहाल पसंद है ना? हाँ, यही है ना? हाँ। पक्की बात है जी, जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर और यहाँ से ख़रीदते हैं आलू काटने वाली मशीन। ये मशीन हमने ले ली है, अब आलू काटने वाली मशीन कहते हैं, वो भाई ने उठा भी लिया जाके। यही मशीन है? पक्की बात है? चलें। ये जी, भाई ने मशीन चेक कर ली है, एक ये थी और एक ये है, तो भाई को ये वाली पसंद आ गई है, ठीक है ना? चेक कर लें फिर भी। चलें जी, ये है आज आलू काटने वाली मशीन, तो ये भी भाई को ले दिए, ये लें फिर भी एक बार तसल्ली कर लें। ठीक है जी, ये भी भाई को पसंद आ गई है, तो अभी ये भी भाई से लेते हैं और चलते हैं घर वापस। अब ये सारा सामान उठाओगे कैसे? कुछ मुझे दे दो भाई, ये मुझे दे दो, ये मैं उठा लेता हूँ। हाँ, अभी एक चीज़ आपकी रह गई है बस। हाँ, शीट रह गई। शीट रह गई है? हाँ, बाकी हर चीज़ फाइनल हो गई है। बाकी सिलेंडर तो है ना आपके? हाँ, पास सिलेंडर है। हाँ, खुश हो? हाँ, खुश। थोड़ा स्माइल करके दिखाओ। हाँ। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह। फाइनली तौर पर हम पहुँच चुके हैं शीटों वाली दुकान पर और ये हमारा लास्ट काम रहता है,
इसे भी क्लियर करते हैं। मशीन भी हमने ख़रीद ली है और बाकी ये वाली मशीन भी हमने ख़रीद ली है। अब लास्ट वाला भाई अपनी पसंद की ख़रीद रहा है हर चीज़। मैंने कहा भाई आप खुद पसंद करें, हम आपको कुछ नहीं बोलते, आप पसंद करें और अपने पसंद की ख़रीदें। तो भाई को, भाई ने वो शीट पसंद कर ली है, रेड कलर की पसंद की है, कहता है कि सबकी रेडियो पर यही शीट होती है, तो मैं भी यही शीट लूँगा। मैंने कहा आप जैसी चाहो वैसी लो, जितनी तादाद में लेनी है, जितनी लेनी है आप उतनी लो, काफ़ी है। इधर देखो, आप खुश हो ना, पक्की बात है, स्माइल करो। माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक आपके रिज्क में बरकत डाले। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम सारा सामान लेकर वापस आ गए हैं। और भाई का जो जो सामान चाहिए था, भाई कहता जो एक्स्ट्रा सामान जो है, यानी कि और जाली वगैरह, वो सारा कुछ मेरे पास है, सिर्फ ये चीज़ें जो है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। ये मशीनें वगैरह सारा कुछ हमने ले दिया, चटाई भी ले दी है कि चटाई ऊपर बिछा के सुकून से इस पर रहना। अब इसको बस फिट करना रह गया, वो भी मैं फ़िट करवा दूँगा इसे, यहाँ पर ऐसे सुराख करवा के इसे नट बोल्ट लगाने। वो अल्हम्दुलिल्लाह, इधर आ जाओ, आप बताओ कुछ और चाहिए? नहीं बस ओके हो गया सामान। ओके हो गया, कुछ भी चाहिए हो भाई? सामान ओके हो गया सारा। यही सामान चाहिए था? यही सामान होता है चिप्स वाले के लिए, ज़रूरी सामान जो सिलेंडर अपना है क्या? सिलेंडर है आपके पास? चलें जी, भाई बोलता है कि सिलेंडर मेरे पास है, बस ये सामान जो है वो मेरे लिए ज़रूरी था। वो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी पसंद का हमने सामान, हमने किसी दुकान वाले से बात नहीं की, इसने बस हमें पैसों का बोला, हमने पैसे दिए और भाई ने सारा कुछ खुद पसंद किया है, बस हमने दुकानदार से बात करके उसे पैसे दिए हैं। ऐसे है भाई, अपनी पसंद का सामान लिया है ना। चलें जी, भाई का जो सामान था वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। अब रह गया रिक्शे वाला, रिक्शे वाले से बात करते हैं और फिर चलते हैं घर, वापस लोड करवाते हैं, ठीक है? फिर चले ना, कुछ चाहिए तो फिर बता दो, फिर पूछ रहा हूँ। चलें जी, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह रिक्शे वाले से भी बात हो गई है, रिक्शे वाला भी गरीब बंदा है तो उसे, उसने जितने पैसे मांगे उससे भी बात हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गई है। तो अभी जो रेडी है वो लोड करवाते हैं भाई के साथ, इस रिक्शे में आ जाएगी, फैमिली तौर पर सेफ भी जाएगी, रेडी ख़राब भी नहीं होगी, तो इसलिए हमने ये वाला रिक्शा सेलेक्ट किया है। तो अभी इसको लेके आते हैं, भाई अपने हिसाब से लोड करेगा कि किस तरह लोड करनी है, भाई को पता है, भाई को एक्सपीरियंस है ऑलरेडी। भाई कहता है हट जाएं, कोई भी हाथ ना लगाए, मैं खुद ही लोड कर लूँगा। ये देखें जी, भाई को पता है, आपको चिप्स बनाने का पता है ना, जैसे देरी लगा। भाई को रेडी लोड करने का पता है। चलें जी, अल्लाह पाक इनकी रोजी में भी बरकत डाले। ठीक है भाई, खुश हो ना जी? अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली तौर पर भाई ने सारा सामान लोड कर लिया है। ये देखें जी, ये तिरपाल भी नीचे रखी हुई है और ये केतली भी और मशीन भी वगैरह सारा कुछ लोड कर लिया है। तो अभी चलते हैं घर, भाई भी साथ में जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर रास्ते का भाई को नहीं पता, तो भाई लेके जाएंगे इसे, ऊपर बैठ जाएंगे सुकून से। चलें जी सुकून से, खुश हैं ना? कितने खुश हैं? बहुत खुश हो? चलें जी। ये है जी माशाल्लाह घंटा घर, हम जा रहे हैं घर। ये है जी मुल्तान का मशहूर घंटा घर, तो हम जा रहे हैं घर। आज तो हमारे पास टाइम नहीं है, इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे। और ये है जी मुल्तान का किला, दरबार, ये साथ में म्यूज़ियम है और ये दरबार है। ये कुछ किले का मंजर है, किले की मस्जिद ये है। रिक्शे पे रेडी वगैरह लोड करवा के हम रिक्शे के पीछे पीछे जा रहे हैं और भाई जो है ना ऊपर बैठा जा रहा है, ठीक हो ना? चलें जी, भाई कहता है मैं ठीक हूँ, सुकून से जा रहा हूँ। चलें हम फिर चलते हैं, आप आ जाइएगा, ठीक है? चलें फिर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली तौर पर भाई जो है रिक्शे वाला वो लेके आ गया भाई को, और रेडी भी अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुँच चुकी है। ये घर है जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये वाला जो घर है ये इस भाई का घर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसे घर पहुंचा दिया, अभी इसको सेट करेंगे और फिर जो है ना ये चिप्स बेचना स्टार्ट करेंगे। भाई जान आपका कितना किराया है? ये लें आपसे जो बात हुई।
यही है ना? ठीक है, खुश हैं? 100 रुपये भेज देगा ये लें जी, ठीक है, अल्लाह पाउंड दे, खुश है ना? खुश है, चलें जी। हाँ, अभी और कुछ चाहिए तो बताएं, खाना खाना है तो बताएं। अल्लाह बहुत दे, ठीक है जी। धक्का लगवाओ, धक्का लगवाओ, धक्का लगवाओ। बच्चे सब, मुस्तफ़ा भी आया हुआ है साथ, मुस्तफ़ा साथ में धक्का लगवाओ अंकल के साहब, जो है ना धक्का लगा के अभी भाई लेके जा रहे हैं घर। मैं भी फिलहाल घर चलता हूँ, मामू से बातचीत करता हूँ, फाइनल करता हूँ, और फिर जो है ना हम बाकी काम करेंगे इंशाल्लाह, इसको सेट करके देंगे, और ऊपर आलू वगैरह भी, वो वगैरह भी ले कर देंगे, ये सारा निज़ाम अपना चलाएगा ये। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भाई की रेड़ी पुराने वाली है, और ये खुद की नहीं थी, ये किसी से ली हुई थी, लेकिन इसका जो है ना वो भाई किराया लेता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई की अब अपनी जो नई रेड़ी है वो आ चुकी है। इस रेड़ी से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है जो भाई ने ये वाली पसंद की है, क्योंकि ये जो है ना साइकिल वाले लगे हुए हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मोटरसाइकिल वाले लगे हुए हैं, और नई भी है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी भाई जान, पसंद आई है? खुश है ना? माँ जी खुश है ना? पक्की बात है? चलें जी, आप फिर इसका सेटअप वेटअप करो, ठीक है? आप सेटअप करो, हम भी घर चलते हैं, फिर जो है ना आपकी रेडी दिखाते हैं, ठीक है? शीट वगैरह ऊपर लगाओ और पूरा इसका सेटअप जो है वो करो, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, भाई को जो न्यू रेडी लेकर दी है, भाई ने उसका सेटअप कर लिया है, ऊपर क्लीन वगैरह भी डाल दिया, और माशाल्लाह रेडी खूबसूरत भी बहुत बहुत लग रही है। और ये है भाई की पुरानी मशीन जिसमें ऑयल डाल के चिप्स को फ्राई करता था, और ये है नई मशीन, फ़िलहाल पुरानी रखी हुई है भाई ने, क्योंकि चिप्स सबको बनाकर दे रहा था बच्चों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह नई मशीन अभी चालू नहीं की, इसको थोड़ा सेटअप करना है, इसका पाइप वगैरह जो है वो सेट करना है, और अभी सिलेंडर वगैरह जो है ना ये उतार किधर लगाएंगे, ये आज तो नहीं, कल जो है ना ये सामान सारा जो सेटअप वाला है कर लेगा, और ये जो किराए का सामान है ये इंशाल्लाह वापसी देंगे। हमारे जो यासिर भाई हैं यूके से, जिन्होंने ये सेटअप लेके दिया है जी, बिल्कुल, उनके लिए बहुत सारी दुआ करें, उसकी सेहत के लिए ज़िंदगी, उसको ज़िंदगी दुआ करनी है, जो भी उसकी मुश्किलात हैं, उसकी परेशानी है, अल्लाह पाक उसको आसानियां फरमाए। ये भाई जो है हमारे ही मजदूर थे, चल फिर नहीं सकते थे और कोई काम नहीं कर सकते थे, 1 2 3 4 5 पांच बच्चे हैं इसके माशाल्लाह, और ये हमारी भाभी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो ये बताएं कि यासिर भाई ने आपको ये सेटअप लेके दिया, आप लोगों को खुशी हो रही है? जी जी बहुत खुशी, बहुत खुशी हो रही है। चलें जी, आपने सिस्टम को चलाकर अपने बच्चों का पेट पालना है और रोज़ी करनी है अपनी, और उसके लिए दिन दुगनी रात चुगनी दुआएं करते रहना है, क्योंकि पहले ये भाई जो है ना किराया भी देता था और अपने बच्चों का भी पेट पालता था, वो रेडी है ऑलरेडी वाली, हाँ। उसका किराया भी देता था और बच्चों का पेट भी पालता था, चलो उसने ये सेटअप लेके दिया है, उन्होंने कहा कि आप फैमिली एक चुने जिसको हम ये सेटअप लेके दें, तो मैंने ये फैमिली चॉइस की, क्योंकि ये मतलब जरूरतमंद थे, इसलिए मैंने जो है ना इनको ये लेके दिया है, तो अल्लाह पाक उनको अजर अजीम से नवाजे, अल्लाह पाक उसको सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन, अल्लाह पाक ढेरों खुशियां अता फरमाए पूरी फैमिली को, बहुत बहुत खुशी। तो उनके लिए जब भी जो है ना सुबह नमाज पढ़ें, जब भी नमाज पढ़ें, तो जब भी खाना खाएं, उनके लिए जरूर दुआ किया करें, उनकी सेहत के लिए, उनकी खुशहाली के लिए ढेर सारी दुआ करनी है, कि अल्लाह पाक उन्हें मजीद तरक्कियां अता करे, और अभी भी कामयाब करे, अल्लाह पाक आपके नसीब करे, तो बहुत सारी दुआ करनी। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह भाई का जो ठेला है वो सेट हो गया है, तो अभी हाथ उठा के उनके लिए अभी भी दुआ कर दें, हम सब भी आमीन कर देते हैं, बच्चों की दुआ से अल्लाह पाक किसी की दुआ से भी अल्लाह आमीन से जो है ना अल्लाह पाक आसानियां फरमा देता है, अल्लाह आमीन। अल्लाह आमीन। ठीक है भाई जान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक आपको ठीक रखे, भाभी आपको भी दे दे, अल्लाह पाक आपके बच्चों को बच्चों के नसीब बच्चे करे, छोटी छोटी बच्ची ठीक है, चले मामू, अभी जो है ना आप जाओ फिर मस्जिद में पैसे देने। जी मामू क्या बोल रहे थे? मैंने कहा एक और काम भी है वो भी करके आओ। वो क्या?
वो मस्जिद में जाके पैसे लिए। एक सिस्टर है हमारी यूके से, अच्छा उन्होंने भेजे हैं जो मस्जिद में अभी दे के आए थे ना ये। अच्छा ये वाली मस्जिद, करीब वाली मस्जिद, हाँ करीब वाली। चलें जी, इसमें जाकर कितने पैसे हैं? ये 10,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये उसी भाई को देने हैं जिस भाई, हाँ उसी भाई को देने हैं। और ये भी उनके लिए दुआ भी करवानी है, यूके से सिस्टर है और जिन्होंने अल्लाह की रजा की खातिर अल्लाह के घर में हिस्सा मिला है। चलें ठीक है, मैं देख के आता हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिद पहुँच चुके हैं और भाई भी आ गया है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम भाई जी, कैसे हैं भाई जान? ठीक भाई जान, खुश हैं, शुक्र है अल्लाह का। एक और हमारी बहन की तरफ से इस मस्जिद की के लिए खिदमत आई है, उन्होंने रज़ाए खुदा के लिए मस्जिद की खिदमत की है, कुछ पैसे वो आपके हवाले करने आए हैं। ये गिन लें, एक मिनट, एक मिनट, मैं 1,000 मेरे ख्याल में मेरी जेब में रह गया, ये देखिए 1,000। दस हज़ार ना? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 हमारी बहन ने जो इस मस्जिद की खिदमत की है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मस्जिद के मुतवल्ली यानी कि इंतज़ाम संभालने वाले के पास हमने पहुंचा दी है। तो ये उनकी तरफ से जो भी हो मस्जिद में लगाइएगा और ईंट वगैरह जो भी लगानी हो वो करवा दीजिएगा, तो उनके लिए दुआ करवा दें, कर दें। अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन, आमीन, अल्लाह आमीन। ठीक है भाई जान, और भी इंशाल्लाह जो भी जो बहन भाई हमारा खिदमत करेगा इस मस्जिद की तो हम इसका जो भी होगा हम पहुंचा देंगे, ठीक है, इसकी अमानत जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम पैसे देकर वापस आ चुके हैं और मामी और बड़ी खाला यहाँ पर बैठकर गप्पे भी लगा रही हैं और साथ साथ में ये मुर्गी धोई जा रही है। आज शाम को मुर्गी बनाने वाली है, निहारी बनाने वाली हूँ, मुर्गी नहीं निहारी, निहारी बनाएं, जल्दी जल्दी बनाएं, भूख लगी हुई है और मगरिब की अजानें भी आ रही हैं, सूरज जो है हमारा गुरूब हो चुका है, निहारी में चिकन भी होगा तो निहारी बनाने वाली। और मामू भी आ चुके हैं, मामू अल्हम्दुलिल्लाह भाई खड़ा था हमारे पहुँचते ही, वो कहीं जा रहा था, शुक्र है वो अभी रुका हुआ था तो उसको पैसे दे आए हैं हम। और बाकी कोई आज का काम तो नहीं रह गया ना, सारे क्लियर हो गए ना? अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुकम्मल हो गए। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जिन बहन भाइयों का हमारे सर फ़र्ज़ थे वो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने क्लियर कर दिए हैं, जो आज के थे हमारे ज़िम्मे वो हमने क्लियर कर दिए हैं, बाकी सुबह होगी तो इंशाल्लाह सुबह के नल रहता है वो फिर तख्ती आनी है, फिर उसको कल जो फर्ज लगवाएं। चलें ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी शाम भी हो चुकी है, इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप सब बहन भाइयों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मामू को अभी लग रही है बहुत ज़्यादा सर्दी, इसीलिए कहते हैं शाम होगी, अभी किचन में जो है हमारे वो आग जल चुकी है, अभी कहते हैं जल्दी जल्दी जाके सुकून से जाके बैठ जाओ।